अभी अभी आगरा पहुंच गए हैं। अभी हम पहले ताजमहल देखने जाएंगे। कुछ एंट्री फीस का दो कैटेगरी है, जिसमें एक पर 50 रुपीज़ वाला है और एक 250 रुपीज़ वाला है। पता नहीं और दोनों में फ़र्क क्या रहता है, हम आगे जाके दिखाते हैं। यहाँ से ताजमहल कितना दूर है? 7 किलोमीटर दूर है यहाँ से ताजमहल। तो पहले हम ताजमहल देख लेते हैं, बाद में होटल में जाके चेक इन करते हैं। देखो ऑटो वाले भैया ने हमको इधर छोड़ दिया है। क्या चार्ज कर रहे हैं वो मैं आपको थोड़ी देर के बाद बताता हूँ। राइट साइड पे जाते हैं सिल्क ग्राम की ओर, 1.5 किलोमीटर है। और ईस्ट गेट, ताज गेट सब इस साइड पे है। यहाँ काफ़ी फॉरेनर लोग भी देखने को मिल जाएंगे। एक ऐतिहासिक जगह है। ये यहाँ का एंट्री गेट है।
दोस्तों हमने कुछ मार्क किया कि ताजमहल का जो भी चार मीनार है वो बाहर की ओर झुका हुआ है, सभी मीनारों, पता है उसका रीज़न? यदि भूकंप आता है तो ताजमहल को कोई भी नुकसान ना पहुंचे। दोस्तों अभी हम यहाँ तक आए, इसकी टिकट का प्राइस है 50 रुपये। अगर हमको और ऊपर जाना हो उस गैलरी की ओर, हमको 200 रुपया और पे करना पड़ेगा तो ऊपर जाने को मिलेगा। इसके अलावा और 200 रुपया भरोगे तो अंदर मकबरे तक जाने देंगे। ये साउथ गेट है, हम जहाँ से आए हैं वो ईस्ट गेट था, ये साउथ गेट है। दोस्तों आपको कुछ पता है इसके पीछे क्या है, पीछे की जगह पे? Anyone can guess? अगर आपको पता है तो मुझे कमेंट करिए। ताकि हम जान सके कि हमारे दर्शक मित्र भी कितने नॉलेज वाले हैं।
देखो वापस अभी हम वही गेट से बाहर जा रहे हैं जिस गेट से हम वापस आए थे। आपने देखा वीकडे चल रहा है फिर भी इतनी तादाद में लोग यहाँ के नज़ारे देखने आते हैं।